नमस्कार, दिव्य होम से मैं फाल्गुनी आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बसंत पंचमी के बारे में। बसंत पंचमी का त्यौहार ज्ञान, विद्या, संगीत और कला की देवी माँ सरस्वती को समर्पित है। हिंदू सनातन धर्म के अनुसार माता सरस्वती का जन्म इसी दिन हुआ था, यानी कि माँ सरस्वती का अवतरण माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन हुआ था, इसलिए इसे बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है, जिसे अबोझ मुहूर्त भी कहा जाता है। कि इस दिन किसी अच्छे कार्य की शुरुआत के लिए कोई मुहूर्त देखने की ज़रूरत नहीं है। आइए इस वीडियो में जानते हैं माता सरस्वती की कैसे उपासना करें, कौन सा दिव्य मंत्र है और क्या उपाय हो सकते हैं। इससे पहले कि हम चर्चा आगे बढ़ाएं, रोज की तरह मुझे कमेंट बॉक्स में जय माँ सरस्वती लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस साल बसंत पंचमी उदय तिथि के हिसाब से 26 जनवरी 2023 को मनाई जाएगी, जिसके शुभ मुहूर्त तो पूरे दिन है, लेकिन अच्छा मुहूर्त जिसको हम दिव्य मुहूर्त बोलते हैं वो सुबह 7:07 से दोपहर 12:35 तक रहेगा। इस बीच हम माता सरस्वती की उपासना अच्छी तरह से कर सकते हैं, जिसमें हमें सूर्योदय से पहले उठ के गंगा जल से स्नान करके एक चौकोर पाट पे पीला वस्त्र बिछा के माता सरस्वती का फोटो या उसकी मूर्ति को स्थापित करना है। साथ साथ में कलश स्थापना करके गाय के घी का दीपक जला के उसमें केसर के कुछ दाने मिलाना है तथा पीले फूल, हल्दी, केसर और पीली मिठाई से माता सरस्वती का विधि विधान से पूजा अर्चना करनी है। और बाद में पीला हाथ करके जो आपके घर में माला है उस माला से आप ओम ऐं सरस्वती नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं। यदि आपके बच्चों की वाणी स्पष्ट नहीं है तो बसंत पंचमी के दिन उसकी जीभ पर चांदी की सलाई से ओम की आकृति बना के वाणी के सारे दोष मुक्त हो सकते हैं। श्रीमद्देव भागवत महापुराण के अनुसार माता सरस्वती की वीणा के मधुर स्वर से ही पूरी सृष्टि को अच्छी वाणी मिली थी। यदि आपका बच्चा पढ़ाई में कमजोर है तो उसे पीले रंग का फूल और हरे रंग के फल माता सरस्वती को अर्पित कराने के लिए बोलिए। माता सरस्वती की पूजा के समय केसर और पीले चंदन का उपयोग करने से हमें हर तरह की अच्छी बुद्धि का वरदान मिलता है। माता सरस्वती आप सभी पर कृपा बरसाए, इसी शुभकामना के साथ जुड़े रहिए मेरे साथ दिव्य होम में। नमस्कार।